कल भी मणिपुर की ही चर्चा गरम रहेगी। ऐसे में एक नजर डालनी बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मणिपुर में इस तरीके के हालात जो हैं वो क्यों बने। वैसे तो मणिपुर के दो प्रमुख समुदायों मैतेई और कुकी के बीच में कई मुद्दों पर तनाव काफी समय से चल रहा है, लेकिन 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसने इस तनाव को भड़का दिया। उन्होंने एक याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करे। इसी के खिलाफ पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन 3 मई को कुकी आदिवासी बहुल चूड़ा चांदपुर जिले में हुआ। राज्य के अन्य आदिवासी बहुल पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। चूड़ा चांदपुर जिले में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के आह्वान पर हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला जा रहा था। उसी दौरान वहां के मैतेई समुदाय के लोगों के साथ मार्च में चल रहे कुछ लोगों के साथ झड़प हो गई। इसे रोकने के लिए पुलिस जो है उसने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प के बाद राज्य के कुछ और इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। इसमें आगजनी भी देखने को मिली। ये 4 मई की तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। और उसके बाद 4 मई को दो महिलाओं के साथ जो एकदम बर्बर व्यवहार हुआ उसने हालात को और बिगाड़ दिया। उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी, वो तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे। तब हालात ऐसे हो गए थे कि मणिपुर से पूर्व राज्यसभा सांसद और जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम को सोशल मीडिया पर राज्य और केंद्र सरकार से जल्द शांति बहाली के लिए कदम उठाने की अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि मेरा राज्य जल रहा है, कृपया मदद करें। इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरे राज्य में तैनात किया, लेकिन हिंसा रह रहकर भड़कती रही। हिंसा की इन घटनाओं के बीच कई जगहों पर बहुसंख्यक समुदायों के बीच फंसे बाकी समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। सेना और असम राइफल्स ने हिंसा प्रभावित कई इलाकों में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी हिंसा गलतफहमी और अफवाहों का नतीजा है, लेकिन यह गलतफहमी अगर हुई तो क्यों हुई? इस पूरी हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? इसके लिए पहले मणिपुर की आबादी और भूभाग को समझना हो। एकदम बैकग्राउंड में चलते हैं, तभी आपको स्थिति समझ में आएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। मणिपुर में निवास करने वाला सबसे बड़ा समुदाय मैतेई समुदाय है, जिसकी आबादी राज्य की करीब आधी है, 50%, लेकिन उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। मैतेई समुदाय ज्यादातर घाटी और मैदानी इलाकों में निवास करता है। जिस इलाके में मैतेई निवास करते हैं वो राज्य के भूभाग का करीब 10% है, यानी कि 50% आबादी 10% भूभाग में रहती है। मैतेई समुदाय की खास सांस्कृतिक पहचान, विरासत और बोली राज्य की बाकी अनुसूचित जनजातियां जिसमें नागा, जोमी, कुकी वगैरह शामिल हैं, वो सब कुछ मिलाकर राज्य की 50% और ज्यादातर राज्य के पर्वतीय इलाके में बसते, यानी कि रिमेनिंग 90%। इसके निवास का भूभाग राज्य का, जैसे कि हमने आपको बताया, वो 10% था, तो ये 90%। इन सभी आदिवासी समुदायों की अपनी एक खास सांस्कृतिक पहचान, विरासत और बोलियां। दरअसल मैतेई समुदाय मणिपुर में राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली रहा। करीब 60 सदस्यों की राज्य विधानसभा में 2/3 सदस्य मैतेई समुदाय के आते, लेकिन मैतेई समुदाय का दावा है कि वो राज्य के सबसे पुराने स्थानीय समुदायों में से है और उसे उसकी विशिष्ट संस्कृति, पहचान, भाषा वगैरह की वजह से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मुहिम की अगुवाई करने वाले संगठन शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर, यानी कि STDCM का कहना है कि अपने लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग करना
किसी का भी संवैधानिक अधिकार, ये उनका भी अधिकार है, उनका दावा है। और मणिपुर के स्थानीय समुदाय होने के नाते हम भी अपने हितों को संवैधानिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि बाकी साथी अनुसूचित जनजाति के समुदायों के संसाधनों पर कब्जा करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, हम चाहते हैं हमको भी हमारी राइट्स मिल जाए। वो कहते हैं कि हम मणिपुर के सबसे पुराने स्थानीय समुदाय, फिर भी यह हक हमको नहीं, लेकिन अपने ही राज्य में वो कहते हैं हम बाहरी लोगों की तरह हो गए। घाटियों में आकर कोई भी रह सकता है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का क्यों ना हो। इसके अलावा हमारी आबादी भी घट रही है। इस संगठन का कहना है कि 1951 में मैतेई राज्य की जनसंख्या की करीब 60% आबादी थी, लेकिन 2011 की जनगणना में वो घटकर 44-45% हो गई। उनका यह भी कहना है कि 1901 में उन्हें मुख्य आदिवासी समुदाय माना गया, 1931 में उन्हें हिंदू आदिवासी समुदाय बताया गया और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और भाषा को बचाने पर जोर दिया गया, लेकिन 1950 में उन्हें अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो सरकार को पता होगी, ऐसा उनका दावा था। इस संगठन की अपील पर ही मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वो मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने पर विचार कर, लेकिन बाकी आदिवासी समुदाय को यह निर्देश नागवार गुजरा कि कैसे हो सकता है। इसी के विरोध में 3 मई को, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च नाम के पर्वतीय इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू किए, उसका आह्वान किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इन विरोध प्रदर्शनों के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई और हालात फिर एकदम से बिगड़ने शुरू हो गए। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने जो बताया वही नाराजगी की वजह रही। इसके मुताबिक मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग राज्य के पर्वतीय जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के संसाधन जो हैं उनको छीनने की साजिश। उनका यह कहना है कि पहाड़ों में आदिवासी लोगों की जमीन को संविधान के अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, यानी कि MLRLR एक्ट 1960 के सेक्शन 158 यानी कि सेक्शन 158 से सुरक्षा हासिल, और इसके तहत आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस मेमोरेंडम में मैतेई समुदाय को विकसित समुदाय बताया गया है जो राज्य के मैदानी इलाकों में रहता है, और कहा गया है कि मैतेई समुदाय की आबादी कुल आबादी की 60% से ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं, कोई 44 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, यहीं से अफवाह शुरू हुई और वो हिंसक हो गई। फिर वो कहते हैं कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तो मणिपुर के हाशिए पर रह रहे आदिवासियों को मिले संवैधानिक और कानूनी बचाव खत्म हो जाएंगे। चूड़ाचांदपुर में कुकी समुदाय पहले ही राज्य सरकार के एक फैसले से नाराज था। कुकी समुदाय ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार रिजर्व फॉरेस्ट बचाने के नाम पर स्थानीय आदिवासियों के हकों को छीनते हुए रिजर्व वन भूमि में बसे उनके गांव में उनको निकालने की कोशिश कर रही। इस मुद्दे पर पिछले महीने इस जिले में काफी हिंसा देखने को भी मिली थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के एक दौरे का स्थानीय लोगों ने उस समय विरोध भी किया था। यही वजह है कि 27 अप्रैल को ही चूड़ाचांदपुर में धारा 144 लगा दी गई। हिंसक माहौल वहां पर उसी समय से तनाव बन रहा है। उसी के साथ मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले ने आग में घी का काम कर दिया और राज्य हिंसा की चपेट में आ गया। बाद में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया। हाईकोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ अपील मणिपुर हाईकोर्ट की ही एक बड़ी बेंच में विचाराधीन। इस बीच मणिपुर तनाव में, गृहमंत्री अमित शाह ने आज जो अपने जवाब दिया उसमें मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया कि वो मणिपुर गए, और उन्होंने ये बताया कि शांति व्यवस्था के लिए क्या क्या कदम उठाए गए।
आइए सुनते हैं उनका वो बयान। मान्यवर, हमने इस सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात है। सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाड़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है। और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। 100 दिन हो जाएंगे मणिपुर में ये जो हिंसा हो रही है, और इस दौरान मणिपुर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और राज्य के घावों पर मरहम लगाने के लिए हाईकोर्ट की 3 रिटायर्ड महिला जजों की एक कमेटी बनाई है, जो राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों की निगरानी करेगी। मणिपुर में इस वक्त क्या हालात, क्या जमीन पर स्थिति है और क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? शांति जरूर बताई जा रही है कि है, क्योंकि वहां फोर्स तैनात है, लेकिन तनाव भी बना हुआ है। और इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, इस पर हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता बीना लक्ष्मी नेपराम से। एक्चुअली कुछ बदला नहीं है, बिल्कुल बदला नहीं है। हम 3 तारीख से मैं बिल्कुल उस पे मॉनिटर कर रहे हूं। इनफैक्ट हिंसा कम नहीं हो रहा है। सो ऑफ कोर्स हमको जानते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान दे के दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। मैं नहीं बताती कि गवर्नमेंट नहीं ट्राई कर रहे। आई नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, मगर ग्राउंड रियलिटी में कोई कुकी और मैते के समुदाय के बीच में कोई समझौता अभी तक नहीं आया है। 3 मंथ्स में ये तू मैं चल रहा है। दोनों में एक पीस टॉक भी नहीं शुरू हुआ है, एक भी पीस टॉक शुरू नहीं हुआ है, एक भी बातचीत नहीं हो रहा है कि ताकि दो झगड़ने वाले को एक साथ टेबल में बिठाए। सो द ओनली वे इज फर्स्ट एक डाइवर्सिटी पॉलिसी आए कि ऐसा लगे कि हर मणिपुरी को लगे कि दे आर इक्वल सिटीजन्स इन एन इक्वल कंट्री। नंबर 1, कुकी हो या मैते, उनको नहीं लगे कि भारत सरकार उनके ऊपर 2 खेल खेल रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिवाइडेड की तरह देख रहा है आजकल। कोई भी कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर विश्वास ही तोड़ दिया है। तो लोगों को 3.3 मिलियन मणिपुरियों को ऐसा लगा बहुत हिल्स एंड वैली कि उन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। इसीलिए तो माँ लोग बाहर आ गया है। माँ लोग क्यों बाहर आ गया है? माँ लोग बाहर आ गया क्योंकि जब उनकी बच्चे को यो मरवाना शुरू किया, घर को जलाना शुरू किया, माँ लोग कैसे चूल्हे जला के घर में बैठ सकते है? इसीलिए मणिपुरी औरतें बाहर आ गए हैं, इस युद्ध में शामिल है ये लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि औरतें जो माँ लोग है, कुकी और मैतई और नागा और सब माँ लोग मणिपुर के एक साथ मिलवाए, बात करें इन लोग को। जो लीडरशिप जो डिविसिव है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, एक लीडर होने के नाते मीन्स माँ बाप की तरह एक लीडर, माँ बाप की तरह एक गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट इज पार्टीशन देन दैट गवर्नमेंट डजंट डिजर्व टू एग्जिस्ट। सो एक नॉन पार्टीशन ऐसे गवर्नमेंट लाए कि लागे कि कोई भी नागरिक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनके लाइफ और उनके जीवन, उनके घर, उनके इज्जत, उसके उनके रिलीजन, उनके
कल्चर को संभालने वाले गवर्नमेंट चाहिए। इसीलिए जब तक ये तीन चीजें नहीं लाएंगे और तो मणिपुर में तो दिस इसीलिए हमने बोला ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन शुरू कीजिए। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में दोनों जो झगड़े वाले लोग को उन लोगों को लाके पता है कि क्या प्रॉब्लम है। शरीर में कैंसर हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि शरीर को दो टुकड़े करे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि सामने लाए।